स्टूडेंट कैरियर काउंसलिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर डीएन मौर्या। आज का सेशन उन छात्रों के लिए है जो ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं या अभी अभी एग्ज़ाम दिए हैं या पिछले साल और एक दो साल पहले पास आउट हो चुके हैं। मैं उनके लिए एक कैरियर की बात करूंगा, एक ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा जिसको करने से, जिस कोर्स को करने से 100% एम्प्लॉयमेंट अश्योर्ड है। उस कोर्स का नाम है होटल मैनेजमेंट। ये होटल मैनेजमेंट एक ऐसा कोर्स है जिसके करने से जॉब तुरंत मिलता है और सभी लोगों को मिलता है। ये पर्पस या रीज़न क्या है ज़्यादा जॉब स्कोप के होटल मैनेजमेंट में, क्योंकि आजकल की फैमिली जो है न्यूक्लियर फैमिली है, सभी छोटे छोटे ग्रुप में घर में रहते हैं। हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स कहीं और हैं, ब्रदर्स सिस्टर कहीं और हैं, और हस्बैंड वाइफ दोनों काम पर जाते हैं, सर्विस में हैं, तो घर में खाना बनाने का प्रॉब्लम होता है। तो हर लोग हफ्ते में 2-3 दिन बाहर खाना खाता है। इसके अलावा सभी जगह पर टूरिज्म डेवलप हो रहा है, स्पेशली इंडिया के अंदर नए नए जगह जहाँ की टूरिज्म डेवलपमेंट कर रहे हैं वहाँ पर होटल बन रहे हैं, इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटी और भी बढ़ रही है, दिन पर दिन बढ़ रही है। हमने अभी देखा क्या हुआ अयोध्या में, अभी भी वहाँ 1-1.5 लाख लोग जाते हैं रहने के लिए, होटल नहीं है, जगह नहीं है, तो तेज़ी से काम चल रहा है, नए होटल खुल रहे हैं और नए नए अपॉर्चुनिटी आ रही है। ऐसे ही उज्जैन महाकाल में है, ऐसे ही काशी में है, ऐसे ही गुजरात में कई साइट डेवलपमेंट हुई हैं, आसाम में कई जगह पर टूरिज्म का काम चल रहा है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी होटल मैनेजमेंट के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा है। इस कोर्स को कौन कर सकता है? कोई भी लड़का या लड़की जो कि ट्वेल्थ पास कर चुके हैं या ट्वेल्थ में हैं, और पास करने के बाद उनका कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम के बच्चे कोर्स कर सकते हैं, आर्ट्स से हों, साइंस से हों या कॉमर्स से हों, 50% मार्क्स उनका होना चाहिए एग्ज़ाम देने के बाद। जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे उस समय आपकी मार्कशीट पूछी जाएगी। अभी अगर आप ट्वेल्थ में हैं तब भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन 50% मार्क्स एग्ज़ाम में आना चाहिए। जो SC ST कैंडिडेट हैं उनके लिए कुछ छूट है, 45% उनके लिए एक्सेप्टेबल है। एज जो है मैक्सिमम एज 25 साल की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होने पर अप्लीकेबल नहीं होंगे। नाउ यह कोर्स जो है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कोर्स है, इसको बोलते हैं 3 ईयर्स BSc कोर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। यही एक ऐसा कोर्स है जहां पर कि BSc यानी कि साइंस की डिग्री मिलती है, चाहे आप कॉमर्स से आएँ, चाहे आप आर्ट्स से आएँ, चाहे आप साइंस ग्रुप से आएँ। तो यह 3 साल का कोर्स है, 3 ईयर्स BSc इन होटल मैनेजमेंट। इसको करने से जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए एडमिशन प्रोसेस है, कोर्स करने के लिए आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा। वैसे इंस्टीट्यूट आपको बहुत मिलेंगे ओपन में, काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेज हैं, काफ़ी होटल्स हैं जो कोर्स कराते हैं, लेकिन उधर नहीं जाने का, आपको एक प्रॉपर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से ही कोर्स करना चाहिए। तो यह कोर्स कंडक्ट होता है थ्रू NCHMT, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। एग्ज़ाम कंडक्ट करती है बॉडी का नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि IIT, PMT और काफ़ी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं। तो NTA के थ्रू एक कोर्स होता है। NCHMCT का रोल है कॉलेजों को रेगुलेट करना, ट्रेनिंग को रेगुलेट करना, ये देखना कि ट्रेनिंग कराने वाले इंस्टीट्यूट ठीक से ट्रेनिंग करा रहे हैं या नहीं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, वो फीस ज़्यादा तो नहीं ले रहे हैं, लड़कों की ट्रेनिंग प्रॉपर है या नहीं, उनको इंटर्नशिप मिल रहा है कि नहीं। तो ये रेगुलेट करती है NCHMCT। सो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसके द्वारा कि CET होती है। तो CET और एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नाम है NCHMCT JEE, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इसका एक पर्टिकुलर शेड्यूल होता है, उसके हिसाब से इसके एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। तो NCHMCT के पास सब 21 सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं,
और 28 स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हैं, एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और 31 प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। इन सब इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करती है NCHMCT, वहाँ का ट्रेनिंग स्टैंडर्ड देखती है। तो उसके शेड्यूल क्या हैं, जो फॉर्म भरना है फॉर्म ऑनलाइन होता है, आपको फॉर्म ऑनलाइन मिल जाएगा वेबसाइट पर www.nchmct.online। यह वेबसाइट का एड्रेस है, इस पर जाकर के आप फॉर्म ले सकते हैं। कहीं और से दूसरे से फॉर्म नहीं लेना चाहिए, किसी प्राइवेट कॉलेज से भी कोर्स नहीं करना चाहिए कि कोर्स रिकॉग्नाइज होंगे नहीं होंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो इसका शेड्यूल होता है फरवरी के महीने में फॉर्म ऑनलाइन आ जाता है, फॉर्म को ऑनलाइन भरिए। मार्च के आखिर तक इसका डेट होता है सबमिशन का, ऑनलाइन सबमिशन कीजिए 31 मार्च तक। हर साल ये डेट चेंज होता रहता है, लेकिन रफली 31 मार्च इसका लास्ट डेट होता है। यह सिर्फ साल में एक ही बार होता है, उसके बाद फिर आप देखेंगे तो अप्रैल या मई में एडमिट कार्ड हो जाएगा। आप देखते रहेंगे वेबसाइट पर, एडमिट कार्ड ऑनलाइन आएगा, उसको आप डाउनलोड कर देंगे। फिर मई या जून में एग्ज़ाम होगा, फिर जून जुलाई में रिजल्ट आएगा और ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग का मतलब आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। तो गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे होते हैं, फीस कम होती है, लोग प्रीफर करते हैं, लेकिन आप मेरिट में आएंगे तभी आपको कॉलेज मिलेगा। सो ऑनलाइन काउंसलिंग में आपसे पूछा जाएगा, आप ऑप्शन देंगे 1, 2, 3, 4, 5 आपके मेरिट के हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। और कॉलेज मिलता है तो एडमिशन जो जुलाई अगस्त में होता है, क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं, 3 साल का कोर्स होता है, उसके बाद आपको डिग्री मिलती है BSc इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। इसके जो सिलेबस हैं वो जो एग्ज़ाम है JEE का, उसके 5 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट। फर्स्ट होता है जनरल एबिलिटी और करंट अफेयर्स, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, टोटल मार्क्स होता है 120। फिर होता है इंग्लिश, उसमें भी 60 क्वेश्चन होते हैं, 240 मार्क्स टोटल मिलता है। इसका मतलब हर क्वेश्चन पर 4 मार्क्स होते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर 4 मार्क्स के लिए होता है। देन एप्टीट्यूड फॉर सर्विस सेक्टर, अगेन 50 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का होता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, थोड़ा अरिथमेटिक के बारे में होता है, बोलते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स के। और फाइनली जो होता है वो रीजनिंग होता है, कारण बताओ होता है, वो भी 30 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क्स के। तो टोटल पेपर 200 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल 800 मार्क्स, 800 मार्क्स के होते हैं। इसमें आप जितना सही करेंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के हिसाब से आपको कोर्स मिलेगा, आपको कॉलेज मिलेगा, इंस्टीट्यूट मिलेगा। तो इसकी जो मार्किंग होती है, सही आंसर देने पर 4 मार्क्स, गलत आंसर देने पर 1 मार्क्स कटता है, दैट इज़ -1। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो वही अटेम्प्ट करने का जो कि श्योर हैं। गलत क्वेश्चन अगर है, आपको आंसर सही नहीं मालूम है क्वेश्चन का, तो आंसर नहीं करने का। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे उसके लिए कोई मार्क्स नहीं है, 0 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से इसके पेपर होते हैं, पेपर इसका हिंदी अंग्रेजी दोनों में आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर बाईलैंग्वेज होता है, मतलब इंग्लिश में भी होगा हिंदी में भी होगा, तो इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप चाहे नॉर्थ इंडिया से हैं, साउथ इंडिया से हैं, और याद रखिए यह कोर्स जो है नेशनल लेवल पर है, यह ऑल इंडिया लेवल का JEE होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होटल मैनेजमेंट के लिए, जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA कंडक्ट करती है। सो बहुत ही अच्छा कोर्स है, 3 साल में आपको इसका डिग्री मिल जाएगा और उसके बाद में आप होटल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग के बाद कौन सा होटल ज्वाइन करेंगे, 5-स्टार होटल हो सकता है, 3-स्टार हो सकता है, वो इंटरनेशनल होटल हो सकता है और नेशनल लेवल का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपका कोर्स कहाँ से किया है, मार्क्स कितने हैं, आपको इंटरेस्ट कितना है। तो जैसे इंटरनेशनल होटल बोलेंगे, जैसे कि आपका ओबराई हुआ, मैरियट हुआ, इस तरह के होटल जो हैं आपको इंटरनेशनल लेवल के होते हैं। और अपना इंडियन ब्रांड जैसे होटल ताज हुआ, ये भी इंटरनेशनल होटल माना जाता है। कुछ होटल होते हैं जो पूरे देश में ही चलते हैं, उसको नेशनल लेवल कहते हैं। इसके अलावा कुछ जो है लोकल लेवल के होते हैं, होटल सिर्फ एक ही नाम रहेगा, एक ही पर्टिकुलर प्लेस में रहेगा, वहाँ भी जॉब मिल सकता है। अगर होटल में नहीं मिलता है तो आपको रेस्टोरेंट में भी जॉब अच्छी तरह से मिल सकता है, क्योंकि रेस्टोरेंट में ज़्यादा लोग ट्रेंड नहीं होते हैं। अगर ट्रेंड आदमी जाएगा तो रेस्टोरेंट ओनर हमेशा ट्रेंड पर्सन को प्रीफर करेगा।
अगर आपको जॉब नहीं करना है तो दूसरा एडवांटेज है कि आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कहीं पर थोड़ा बहुत जगह देखिए, रूम लीजिए सिटी यूटी में, अपने मोहल्ले के पास में, बाज़ार में, और अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए लोन भी मिलता है गवर्नमेंट से। प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना में 3 तरह के लोन मिल सकते हैं। होता है शिशु लोन 50,000 तक का, देन किशोर लोन अप टू 5 लाख, एंड तरुण लोन जो कि 5 लाख से 10 लाख तक का मिलता है। इंटरेस्ट रेट करीब 8 से 10% होते हैं। होटल बिजनेस में फायदा बहुत है, आपका खर्चा कम लगता है और इनकम ऑलमोस्ट डबल होती है। आप देखिए सिंपल रसीज लाइक लेटर से ट्रेन में जाते हैं, आप चाय खरीदते हैं, चाय का कप, एक कप चाय का आपको 10 रुपये में मिलता है। उसका लागत कितना होता है? 2 से 3 रुपया। तो हर कप के ऊपर 7 रुपये का फ़ायदा होता है। अगर आपने 500 कप बेच दिया तो आपका 3,500 रुपया कहीं नहीं गया। तो होटल बिजनेस में बहुत ही प्रॉफिट है। आप अपना बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं, जॉब करना चाहें तो जॉब भी कर सकते हैं। तो यह पर्टिकुलर चीज़ जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है उन लड़कों के लिए, स्पेशली जो कि पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं और जिनको जॉब तुरंत चाहिए, ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। तो बेस्ट चीज़ है आप 12th से निकलो, या 12th में हो तभी आप फॉर्म भर दो। एग्ज़ाम 12th का मार्च में होता है, इसका फॉर्म फरवरी में आ जाता है JEE का, इसको भर दीजिए और उसको एग्ज़ाम दीजिए अप्रैल मई तक। 12th के साथ साथ एग्जाम भी आसपास एग्ज़ाम होता है, क्लियर कीजिए और 12th पास होते होते आपका कोर्स में एडमिशन भी हो जाएगा। 3 साल का कोर्स कीजिए और नौकरी कीजिए बिना किसी प्रॉब्लम के। और इसके साथ साथ ही साथ आपका एक करियर बनता है। होटल में बेसिकली 3 डिपार्टमेंट होते हैं, 4 डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है फर्स्ट, होता है फ्रंट ऑफिस। फ्रंट ऑफिस में जहाँ पर डायरेक्टली लोग इंटरेक्ट करता है, जैसे कि होटल स्टाफ इंटरेक्ट करेगा किससे? कस्टमर से, उनसे मिलना, बातें करना, बुकिंग करना, रूम दिखाई, सब फ्रंट ऑफिस में बोलते हैं। तो फ्रंट ऑफिस। दूसरा होता है हाउसकीपिंग, जिनका काम होता है कि होटल को टिप टॉप कंडीशन में रखना, अच्छी तरह दिखे, अच्छी तरह लुक हो, रूम्स वगैरह अच्छे हों, होटल का रेस्टोरेंट अच्छा लगे, फ्रंट ऑफिस अच्छा लगे, तो होता है उसको बोलते हैं हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। थर्ड डिपार्टमेंट होता है रेस्टोरेंट्स एंड बेवरेज, जो कि देखते हैं होटल का रेस्टोरेंट कैसा चल रहा है, बंकेट कैसा है, बंकेट हॉल कैसा है, और बेवरेज कहाँ से आता है, कितना आता है। बेवरेज का मतलब जो ड्रिंक्स होते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, इसका अरेंजमेंट भी उन्हीं के अंडर होता है। और चौथा डिपार्टमेंट होता है कुकिंग, जहाँ के लोग खाना बनाते हैं, इसका जो हेड होता है उसको शेफ बोलते हैं, चीफ शेफ। तो ये 4 डिपार्टमेंट होते हैं। और जब आप इंटर करेंगे होटल में तो आपका पोस्टिंग होगा एज ए ट्रेनी। किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे आपका पोस्टिंग ट्रेनी होगा। ट्रेनी के बाद आप बनेंगे एसोसिएट, एसोसिएट के बाद बनेंगे आप टीम लीडर, उसके बाद में ऑफिसर कैडर स्टार्ट होगा। प्रमोशन के बाद में एग्जीक्यूटिव बनेंगे, असिस्टेंट मैनेजर बनेंगे, डिप्टी मैनेजर बनेंगे, मैनेजर बनेंगे और जनरल मैनेजर बनेंगे। GM जो टॉप लेवल का पोस्ट होता है किसी भी होटल में, अगर वो सिंगल होटल है एक पर्टिकुलर जगह पर है तो उस होटल का टॉप मैन GM होगा। बहुत बड़ा होटल है तो वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हो सकता है। सो सैलरी जो स्टार्टिंग है 20,000 के आसपास बॉटम लेवल में है, और करीब करीब कई लाख, 2 लाख 3 लाख रुपए तक टॉप लेवल में जाती है। तो बहुत ही अच्छा सर्विस है सब लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए ओपन है, इसमें कोई वो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसियाँ होती हैं, तो जितने भी लोग ट्रेनिंग करते हैं कहीं ना कहीं वो एडजस्ट हो जाते हैं। यह रहा आज का विषय होटल मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, फॉरवर्ड करें उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है, और साथ में सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ तब को नमस्ते, सी यू इन नेक्स्ट सेशन विथ ए फ्रेश टॉपिक। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।